और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां बिजली कंपनी के शहर वितरण केंद्र में पदस्थ सहायक अभियंता रिंकू मैना को सागर लोकायुक्त की टीम ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। शैलेंद्र अखबार ने बताया कि बिजली कंपनी की एई रिंकू मैना और उनकी टीम द्वारा बिजली चोरी का फर्जी प्रकरण दर्ज करते हुए उसको निपटाने के एवज में 80,000 रिश्वत की मांग की गई थी। फरियादी ने बताया कि उनके द्वारा परेशान होकर 25 जुलाई को लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी लोकायुक्त DSP राजेश खेड़े ने बताया कि शिकायतकर्ता शैलेंद्र अखबार ने भी गत 25 तारीख को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी तस्दीक की गई, जिसमें ट्रैप की कार्यवाही करते हुए बिजली कंपनी के एई रिंकू मैना लाइन मैन घनश्याम दुबे टेस्टिंग सहायक प्रवीण तिवारी को रंगे हाथों 80,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। वहीं पूरे मामले में बिजली कंपनी के एई रिंकू मैना ने कहा कि उपभोक्ता शैलेंद्र अखबार के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था और उसने दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। विराट 24 न्यूज के छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। आरोपी का पंचनामा बना है जिसमें डायरेक्ट विद्युत उपयोग किया जा रहा था। इनसे रिकवरी में अभी 13 तारीख को लोक अदालत होने वाली है, उसमें पैसा जमा करने के लिए उनको बस रसीद ही देने वाले थे, इतने में लोकायुक्त की मित्र आ गई। 80,000 किस बात की मांग? 80,000 किसी कुछ पैसे नहीं, इनकी रिकवरी में जमा होना, इनका डायरेक्ट चोरी कर रहे थे, इनकी दोनों फैक्ट्री चल रही है, पंचनामा बनाया गया था इनका 22/7 को पंचनामा बनाया गया था, जिसमें डायरेक्ट दोनों फैक्ट्री चल रही थी, कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई। इनका तो आरोप है कि लाइनमैन द्वारा नहीं, तो अब ये हम कुछ नहीं कह सकते। आपसे डायरेक्ट बात हुई, उसने बताया आपसे बस इतना, 1 लाख में आपसे डायरेक्ट बात हुई थी, ये कब कार्रवाई की गई? नहीं, 1 लाख में कोई बात नहीं हुई, ये तो जो आपने पंचनामे की कार्रवाई की, रसीद मिलने वाली थी अभी। ये कार्रवाई कितनी पुरानी है जवा लीजिए? ये 22 तारीख को डायरेक्ट चला रहे थे, ये दोनों फैक्ट्री इनकी डायरेक्ट चल रही थी। किस 22 जुलाई अगस्त 22/7 को, 22 जुलाई को आप वहाँ पर गए थे? तो प्रकरण दर्ज नहीं हुआ अभी? प्रकरण दर्ज हो गया, ऑनलाइन दर्ज है प्रकरण, इसमें रिश्वत की बातें ही नहीं आती, रसीद कटने वाली थी। किस संबंध का मामला ये बनाया था? ये दोनों फैक्ट्री डायरेक्ट चल रही थी इनकी, तो नहीं चोरी का मामला बना है? चोरी का 135 धारा में हमने पहले केस बनाया उसका, 135 का क्या पेश कर दिया क्या? अभी नहीं हुआ है, बस पेश हो जाएगा इस लोक अदालत के बाद, इनका पेश हो जाएगा। ऐसी भी बात आई है कि 1 लाख रुपए जो मांग रहे थे फरियादी के द्वारा, मांग नहीं की गई, आपकी आवाज भी ट्रैप की गई है इस संबंध में, बात हो सकता है उसको, अगर आप कंटिन्यूस आवाज सुनी हमने क्या कहा, क्या डिमांड की पैसे की या रिकवरी जमा करने की बात की? आज हमने एक ट्रैप की कार्रवाई की है विद्युत मंडल छतरपुर में, सहायक यंत्री रिंकू मैना और TA जो है तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दुबे को आज हमने जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक ने 25 तारीख को एक शिकायत की थी कि उससे जो है बिजली चोरी का फर्जी प्रकरण बनाने एवं उसका जो है स्थाई मीटर कनेक्शन लगाने के एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, और जिस पे जो है उसको तस्दीक किया गया और सही पाए जाने पर उससे 80,000 रुपए की जो रिश्वत की मांग की जा रही थी, आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है और आज हमने विद्युत मंडल छतरपुर में सहायक यंत्री रिंकू मैना TA जो तिवारी और लाइनमैन को जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका, क्या कहते? मेरा नाम शैलेंद्र अखबार है, मैं बजरंग नगर का निवासी हूँ। मैंने शिकायत की थी कि मेरी यहाँ एक दोना फैक्ट्री मैंने अभी चालू की थी, तो किसी ने शिकायत कर दी, तो हमारे यहाँ ये गए, बिजली प्रकरण का मेरे ऊपर केस बनाया और बनाए रहे थे, इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये की हमसे रिश्वत की मांग की थी। 2-3 दिन का समय दिया गया था, तो उसमें मैंने अरेंज करके आज 80,000 रुपये लेके आया था। कब दिए आपने पैसे, किसने मांग की थी, क्या था पूरा? रिंकू मैना जो सहायक अभियंता हैं उनके द्वारा मांग की गई थी, और उसमें TA साहब हैं प्रवीण तिवारी, उनने कहा था कि आप 80,000 से 90,000 रुपये लेके आइए, हम आपका जो है आपके ऊपर विद्युत प्रकरण नहीं करवाएंगे और आपका जो है केस खत्म करवा देंगे। अभी किसको आपने पैसे दिए थे, क्या था? पैसे मैंने प्रवीण तिवारी और घनश्याम दुबे दोनों साथ में ही थे, और साहब ने कहा था कि इनको दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा, और हमने आवेदन साहब को ही दिया, तो उन्हीं ने कहा, वहीं उन्हीं के रूम से दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि आप पैसे इनको दे दीजिए और आप जाइए, आपका काम हो जाएगा।